शिक्षा की आड़ में स्कूल प्रबंधन द्वारा पालकों पर अतिरिक्त भार डालकर जबरन कुछ भी आदेश दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में डीपीएस स्कूल दुर्ग की मनमानी का विरोध कर पार्षद अरुण सिंह ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नए सत्र में स्कूल प्रारंभ होते ही स्कूल प्रबंधन द्वारा नई नई शर्तें और नए नए नियमों से अब पालक भी परेशान होने लगे हैं। इतना ही नहीं, विभिन्न निजी स्कूलों की मनमानी की वजह से अपनी संतान को शिक्षा दिला रहे पालक अब ज्यादा आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग डीपीएस स्कूल का एक मामला सामने आने के बाद पटरी पार पार्षद अरुण सिंह ने दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा से चर्चा कर मामले से अवगत कराया और कहा कि कुछ ही सालों में स्कूल ड्रेस चेंज करना है और एक निजी बड़े महंगी दुकान को इसको बेचने के लिए देना, ये कहां तक न्याय उचित है। स्कूल फीस में वृद्धि करना तो चल ही रहा था, अब अतिरिक्त ड्रेस खरीदने की बात सामने आई है, जिसके तहत पिछले वर्ष खरीदा गया ड्रेस अब बेकार हो गया है। स्कूलों में आप देखेंगे मई जून का स्कूल का फीस तो नहीं रहे, बस का भी फीस ले रहे, पेरेंट दे रहे, चलो ठीक है बच्चे को पढ़ाना है, कितना क्या फीस किस चीज़ के लिए बोले दे दो, स्कूल का फीस बेतहा बढ़ गया, चलो दे दो। कभी बोलते हैं कि एडिडास का जूता पहनाओ बच्चों को, फिर भी पेरेंट्स बोल रहे हैं कि चलो दे दो, पर उसके लिए भी हमने आवाज़ उठाई थी, फिर उसके बाद इनको बैकफुट में आना पड़ा और वापस अपना निर्णय लिए। अभी नया फिर से आ गया कि आप अपना ड्रेस चेंज करिए, फिर ड्रेस चेंज करिए। पहले हम लोग पढ़ते थे तो किसी बच्चे का स्कूल ड्रेस देख के बता दिया करते थे कि इस स्कूल का बच्चा है, कि ड्रेस चेंज करने से पढ़ने का क्या वास्ता है। लगातार परिवार को परेशान किया जा रहा है, एक मध्यमवर्गीय परिवार अपने खर्चों को काट के अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए एक अच्छे स्कूल में भेजा है, पर ये स्कूलें इसमें लगी है कि कैसे कितना कमाई किया जाए, कहाँ से इनको लूटा जाए। पढ़ाने के बजाय इनका ध्यान सिर्फ उसी सब चीज़ों में है कि कैसे पैसा बना लिया जाए। ठीक है आपने स्कूल खोला है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, इतने प्रिंसिपल से लेकर इतने कर्मचारी हैं, आप पैसा लीजिए, पर इतना भी ना लीजिए कि कोई परिवार बर्बाद हो जाए। इसके दुरुप का अभी मामला लेके गए हुए थे, पर अगर देखा जाएगा तो अधिकतर स्कूलों की इसी तरीके से बर्बादी चल रही है, इसको रोकने की बहुत ज़रूरत है। अगर आवाज़ नहीं उठाया जाएगा तो इनका मनोबल बढ़ता जाएगा और ये और आगे और बहुत कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि किसी भी परिवार का बड़े स्कूलों में पढ़ाना एक सपना ही बन जाएगा। कल आदरणीय डिप्टी कलेक्टर और माननीय कलेक्टर महोदय से भी बात हुआ था फोन के जरिए, तो उन्होंने कहा था कि मैं संज्ञान लेके इसको कार्रवाई करता हूँ, फिर भी मैंने कहा कि आज मैं लिखित में दे देता हूँ। तो कलेक्टर महोदय से मुलाकात हुई और डिप्टी कलेक्टर साहब भी वहीं थे, मैंने लिखित में दिया तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा किया आपने कि मुझे लिखित में भी दे दिया, अब मैं इस पर कार्रवाई जरूर करूँगा। एक तरफ पालक अपनी संतान को अच्छी शिक्षा देने लाख जतन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ निजी स्कूलों द्वारा हर साल नए नए नियमों की आड़ में लोगों की कमाई का ज़्यादा हिस्सा शिक्षा में लगाने से परेशान पालक अब शासन प्रशासन की राह देख रहे हैं, जिसके बाद स्कूल प्रशासन द्वारा दोबारा बच्चों के ऊपर कोई दबाव ना बना सके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।